लॉकडाउन 4.0 से पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे थे और पहले ही दिन फिर संख्या बढ़ गई है। 4,464 मरीज कुल हो गए हैं। एक ही दिन में 208 नए मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हो गई है। और आगरा से सबसे ज्यादा केसेस आए। आगरा में अब तक 807 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। मेरठ से भी केसेस आ रहे हैं। मेरठ में भी पीएसी के 7 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो फर्रुखाबाद में 5 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गोरखपुर में भी 4 नए कोरोना के संक्रमित केसेस सामने आए हैं। तो प्रयागराज में भी कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो ये हेल्थ अपडेट है, उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। संख्या बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है और एक ही दिन में 208 नए मरीजों का मिलना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गति बढ़ा दी है कोरोना ने। और ऐसे में अब सवाल यह है कि रियायतों का भी दौर शुरू हो गया है लॉकडाउन में, और इन रियायतों से लोग बाहर आएंगे तो हो सकता है कि कोरोना और ज्यादा फैले। लॉकडाउन 4.0 से पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे थे और पहले ही दिन फिर संख्या बढ़ गई है। 4,464 मरीज कुल हो गए हैं। एक ही दिन में 208 नए मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हो गई है। और आगरा से सबसे ज्यादा केसेस आए। आगरा में अब तक 807 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। मेरठ से भी केसेस आ रहे हैं। मेरठ में भी पीएसी के 7 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो फर्रुखाबाद में 5 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गोरखपुर में भी 4 नए कोरोना के संक्रमित केसेस सामने आए हैं। तो प्रयागराज में भी कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो ये हेल्थ अपडेट है, उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। संख्या बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है और एक ही दिन में 208 नए मरीजों का मिलना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गति बढ़ा दी है कोरोना ने। और ऐसे में अब सवाल यह है कि रियायतों का भी दौर शुरू हो गया है लॉकडाउन में, और इन रियायतों से लोग बाहर आएंगे तो हो सकता है कि कोरोना और ज्यादा फैले। लॉकडाउन 4.0 से पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे थे और पहले ही दिन फिर संख्या बढ़ गई है। 4,464 मरीज कुल हो गए हैं। एक ही दिन में 208 नए मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हो गई है। और आगरा से सबसे ज्यादा केसेस आए। आगरा में अब तक 807 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। मेरठ से भी केसेस आ रहे हैं। मेरठ में भी पीएसी के 7 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो फर्रुखाबाद में 5 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गोरखपुर में भी 4 नए कोरोना के संक्रमित केसेस सामने आए हैं। तो प्रयागराज में भी कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो ये हेल्थ अपडेट है, उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। संख्या बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है और एक ही दिन में 208 नए मरीजों का मिलना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गति बढ़ा दी है कोरोना ने। और ऐसे में अब सवाल यह है कि रियायतों का भी दौर शुरू हो गया है लॉकडाउन में, और इन रियायतों से लोग बाहर आएंगे तो हो सकता है कि कोरोना और ज्यादा फैले।